हेलो दोस्तों, कौन बनेगा रेल मंत्री? लंबी वेटिंग लिस्ट को कम करने और 300 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की होगी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी देश में 102 वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है और 400 से अधिक वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। और वंदे भारत ट्रेनों को श्रीलंका, मोजाम्बिक, सेनेगल, म्यांमार, सूडान आदि देशों को निर्यात भी करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में नए रेल मंत्री पर बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती होगी और रेल मंत्री को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को गति बनाए रखने होगी और उनके कंधों पर नई पीढ़ी की सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ रिकॉर्ड उत्पादन का भी लक्ष्य का पीछा करना होगा। वहीं रेल यात्रियों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए टक्कर रोधी आधुनिक तकनीक कवच को तय समय में पूरा करना होगा और इसके साथ ही यूपी बिहार की ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट को कम करना होगा। स्टेशनों के साफ सफाई, खान पान की गुणवत्ता बनाए रखने में भी अपने कौशल का परिचय देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्रालय भाजपा के पास रहेगा या उसके घटक दलों की झोली में जाएगा, यह रविवार को यानी आज के दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन नए रेल मंत्री पर भारतीय रेल को मुनाफे में बनाए रखना, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गति बनाए रखना, सुरक्षित ट्रेन के परिचालन का दबाव रहेगा। दरअसल मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में 26,000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का कार्य किया है और इस प्रकार रेलवे ने प्रतिदिन 12 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई है। वहीं 40,000 किलोमीटर विद्युतीकरण का कार्य भी किया गया है। भारतीय रेलवे में 94% विद्युतीकरण हो चुका है और शेष को तेज गति से पूरा करने का भी लक्ष्य होगा। अंतरिम बजट में रेल कॉरिडोर का भी प्रावधान था। सरकार ने 1 फरवरी 2024 में अंतरिम बजट में 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने के लिए 12 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया है और इसमें से 2 फ्रेट कॉरिडोर है और 1 सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है, जिसे अगले 5 से 7 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए रेल मंत्री को वंदे भारत ट्रेनें स्लीपर कोच, अमृत भारत ट्रेनें पुश पुल तकनीक, नमो भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए तेज गति से कोच उत्पादन करना होगा। देश में अभी 102 वंदे भारत ट्रेन चल रही है और 300 और वंदे भारत ट्रेन चलाना है, यानी टोटल 400 का लक्ष्य रखा गया है। श्रीलंका, मोजाम्बिक, सेनेगल, म्यांमार, सूडान आदि देशों को निर्यात भी करना है और वंदे भारत ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने का सपने को नए रेल मंत्री को पूरा करना होगा और इसके लिए दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता पर चालू कवच परियोजना में तेजी लानी होगी और इसके साथ 1300 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास योजना के तहत कायाकल्प करना होगा और स्टेशन ट्रेनों में साफ सफाई, यात्रियों को सस्ता और ताज़ा स्वादिष्ट भोजन मुहैया कराना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब नए दायित्व नए रेल मंत्री को दिया जाएगा। अब देखिए, आज शपथ ग्रहण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और देखते हैं किनके नाम का मोहर लगता है रेल मंत्री पर। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्री का बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है, बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया जा रहा है और इस टारगेट और जिम्मेदारी को कौन रेल मंत्री पूरा कर पाते हैं, ये रेल मिनिस्टर पर बहुत बड़ा दबाव होगा। फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण है, आज 9 तारीख है। आज उनका शपथ ग्रहण होने के बाद रेल मंत्री कौन बनेगा ये साफ हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो। जय जय भारत, जय नंद रेलवे।